नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल में आप सभी को प्राकृतिक उपचार सिखाते हैं ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बांस के प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा और यह जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। शायद अभी तक आपको किसी ने YouTube चैनल में बांस के बारे में प्राकृतिक उपचार नहीं सिखाया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद YouTube से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारे भारत भूमि में 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से फिर से जो आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है वो जन जन तक फिर से पहुंचे, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान की अमूल्य धरोहर बचे रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो बांस के कोपल है ना, इसका फायदा आज की इस वीडियो में बताऊंगा और यह जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। यह वीडियो 5 मिनट की बनने वाली, 5 मिनट से भी छोटे बनने वाली है और इस प्रकार के आयुर्वेदिक जानकारी हमेशा काम आती है। और मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूं कि जो जानकारी होती है कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जानकारी हमेशा यूजफुल होती है। हो सकता है आप लोगों को हम जो प्राकृतिक उपचार सिखाते हैं स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं। अधिकतर आपने बांस के बारे में यह सुना होगा कि इसका प्रयोग लकड़ी के लिए करते हैं, घरों बनाने के लिए करते हैं, यह इसका प्रयोग और अन्य चीजों में होता होगा जैसे कि आग जलाने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसे हड्डी जोड़ने का तरीका बताऊंगा, जिनकी हड्डियों में कटकट की आवाज आती है उसे ठीक करने वाला सरल इसे प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को आज ही फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार के प्राकृतिक उपचार आप सभी को फ्री में सिखाया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों, जो ये बांस है ना, इसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हड्डी संबंधी बीमारी को यह ठीक करता है। अगर आपके कद छोटे रह गए हैं या आपके घर परिवार में छोटे बच्चे जिनके कद नहीं बढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए सबसे रामबाण दवा साबित हो सकती है। तो इसके कोपल का प्रयोग करना है, कौन कौन इसके कोपल का सब्जी खाए हैं हमें जरूर बताना, कमेंट में शर्माना नहीं, हमें जरूर बताना, क्योंकि हम भी इसके कोपल का सब्जी खा चुके हैं, काफी स्वादिष्ट होता है। तो इसे अच्छे से पानी में उबाल करके गर्म करके सब्जी बनाया जाता है, खाया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से ये हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। अगर आप भी हड्डी को मजबूत करने के लिए या हड्डियों में आपके पेन होता है, दर्द होता है, गाइस इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखना। वीडियो को अभी आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि बांस हमारे घरों के आसपास में बहुत आसानी से मिलते हैं और अगर आज के यह वीडियो मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। हो सकते हैं भविष्य में आपके एक्सीडेंट हो जाए या आपके घर परिवार में किसी को हड्डियों में दर्द बना रहा था, तो इसलिए बोल रहा हूं यह जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे, आप दूसरे को भी यह उपाय बता सकते हैं। तो अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आप हड्डी के दर्द को ठीक करने के लिए कैल्शियम का जो कहा जाए इंजेक्शन आता है वो लगवा रहे, तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, ऐसा मत करें। आप एक काम करें, जब भी आपको सीजन में मिले, बारिश के मौसम में ये जो बांस के कोपल मिलते हैं, जब भी आपको बारिश के मौसम में मिलते हैं तो इसके सब्जी बना करके खाएं। इसके कोपल को अच्छी तरह से पानी में उबाल करके सब्जी बना करके खाएं तो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है जिसके वजह से आपके हड्डियों में दर्द होता है, बदनों में दर्द होता है, हड्डी की कमजोरी के कारण जो छोटे बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका सब्जी खिला देने से जो नाटे रह गए हैं बच्चे हड्डियों में, कहा जाए जितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती हो नहीं मिल रहे हैं, तो छोटे नाटे बच्चे भी बढ़ने लगते हैं इसके सब्जी खाने से। दूसरा, जिनके हड्डियों में अक्सर दर्द बना रहता है तो इसके सब्जी खाने से हड्डियों में होने वाले दर्द भी दूर हो जाते हैं। जो लोग अपना हाइट तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके कोपल का सब्जी खाने से तेजी से हमारे हाइट भी बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ ये टूटी हड्डी को कैसा जोड़ते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में पशुओं में टूटी हुई हड्डी हो जाती है, गलती से अगर किसी कारणवश ना टूटी हड्डी टूट जाती है, तो कच्चे बांस को पीस ले, ठीक है, कच्चे बांस को पीस ले और पीस करके इसमें माल कंगनी का तेल मिला करके पेस्ट बना करके अगर जहाँ पे टूटी हुई हड्डी है वहाँ पे बांध दिया जाए, कपड़े में लपेट दिया जाए इसके पेस्ट को, ऊपर से इसी का आपको क्या करना है, लकड़ी लेना है, पतले छिलके जैसा आपको पतले साइज का लकड़ी ले लेना है और एक ढांचा जैसा बना लेना है ताकि उनकी हड्डी जुड़ने में थोड़ा सा सरलता हो जाए और बांध देना है तो बिल्कुल ही टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। और जो लोग नाटे रह गए हैं, छोटे रह गए, बच्चे अपने कद बढ़ाना चाहते हैं, जिनके अक्सर हाथों पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में या सीनों में दर्द होता है, तो इसका प्रयोग करें, तेजी से यह दर्द को दूर करता है।
और अगर जिनको कमजोरी रहता है ना, बहुत से लोगों को हमने देखे कमजोरी सुस्ती रहते हैं, तो इसके सब्जी खाने से कमजोरियां सुस्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से प्राकृतिक उपचार, मतलब प्राकृतिक घरेलू तरीका जो कि आप लोगों को मैं यह जानकारी शेयर किया। शायद अभी तक यूट्यूब में किसी ने यह जानकारी नहीं बताया होगा। तो यह जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।